लद्दाख में COVID-19 के कल हमें 6 रिजल्ट्स मिले हैं और 6 के 6 रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आए हैं। सारे रिजल्ट्स कारगिल के हैं। COVID-19 की स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा करने के लिए जो COVID-19 के हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अंतर्गत हम लोग एक डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल शुरू करने जा रहे हैं और यहीं पर महाबोधि सोसाइटी का हॉस्पिटल है जो कि 50 बेडेड है। उसको कल हम लोगों ने सर्वे किया है और पूरे मानक में वो खरा उतरा है और हम शीघ्र ही ये हॉस्पिटल जो है वो शुरू कर लेंगे। सर अभी कितना टेस्ट का सैंपल आना बाकी है? अभी हमारे 7 सैंपल जो है आने बाकी हैं। कल फ्लाइट जा नहीं पाए तो उसकी वजह से कुछ सैंपल्स अभी यहीं हैं, हम लोग उनको भी भेजेंगे, पर अभी फिलहाल NCDC से जो हमें सैंपल्स आने हैं वो 7 शेष हैं। सर पहले के मुकाबले में अभी कम सैंपल जा रहे हैं तो क्या सिचुएशन इम्प्रूव हो रहा है सर? जी, आपको जैसे जानकारी है पूर्व में हमारे जो 13 केसेस थे उसमें से 3 जो है वो टेक्निकली स्वस्थ हो गए हैं, उनको हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर लिया है, पर क्योंकि उन वो लोग बहुत स्वस्थ नहीं थे उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन एक फैसिलिटी में रखा है, बट उनके अंदर अभी भी COVID-19 के जो वायरस है उसके कोई लक्षण नहीं है। उसको देखते हुए जो उनके कॉन्टैक्ट केसेस थे उनके भी हम लोगों ने सैंपल्स भेजे थे, क्योंकि अब कोई नए केसेस लद्दाख में नहीं आ रहे हैं तो आने वाले दिनों में सैंपल जो हम लोग भेजेंगे यहाँ से कम होंगे। सर जो डॉक्टर्स बाहर डिप्यूटेशन पे वो लोग वापस आ गए? लद्दाख में लगभग 10 डॉक्टर्स ऐसे थे वो देश के विभिन्न शहरों में डेपुटेशन पे थे, उनको हम लोगों ने पहले शो कॉज नोटिस भेजा था, उस शो कॉज नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है और COVID-19 में डॉक्टरों की जो मांग है वो भी बड़ी है, उसको देखते हुए हम लोग बहुत ही शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं।